तो जी व्यूअर्स, जो है यहाँ पे ज़बरदस्त क्राउड है और समर का पूरा जो ओस्लो का जो समर का क्या बोलते हैं पूरा सुबाब है वो अपने पूरे सवाब पर है समर यहाँ पे, और लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। वेदर एकदम ज़बरदस्त हो गया है और सारे लोग जो हैं एकदम बाहर निकल गए हैं और फेरी से इधर उधर घूमने जा रहे हैं, और मार्केटें पूरी एकदम सज धज गई हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका ग्लिम्प देता हूँ, ज़बरदस्त माहौल यहाँ पर और लोग भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। नॉर्वे का ये खूबसूरत शहर ओस्लो और समर में बिल्कुल ऐसा खिल जाता है, और वो जो खुशियाँ लोगों के चेहरों पे, चमक लोगों के चेहरों पे, और क्योंकि नॉर्वे की जो सबसे बड़ी मैं ये बोलूँगा कि जो यहाँ पर ठंड है, यहाँ पर कोल्ड है, वो आपके ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा रहती है। उसमें से करीब करीब 4 महीने आपके बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो इन 4 महीनों के बाद और ये 6 महीने की कड़क ठंड के बाद जब यहाँ पे धूप खिलती है और यहाँ पर समर, जिसको समर बोलते हैं, जो मोस्टली जो है अप्रैल से शुरू होता है और अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का जो टाइम है वो यहाँ पर ब्यूटीफुल टाइम होता है। तो लोग यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करते हैं, लोग जो हैं घरों से बाहर निकल जाते हैं, और जो दिन है वो आपका बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि समर में जो है आते आते ये 12-1 बजे तक हल्का अंधेरा होगा, 1-2 बजे के आसपास। तो आप समझिए कि पूरा दिन बढ़ गया, दिन का जो टाइम है वो बढ़ गया। तो लोगों को 10-11 बजे तक और 12-11 बजे तक कम से कम बाहर घूमते फिरने में कोई समस्या नहीं, आराम से इंजॉय करते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर मिल जाता है। तो बस यही जो लाइफ स्टाइल है नॉर्वे की और यूरोप की, वो आपको मेरे ब्लॉगों में देखने को मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन ब्लॉगों को, समर के खासकर ब्लॉगों को, आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। और दूसरा जो है, समर में काफ़ी इवेंट्स यहाँ पर होते हैं इंडियन कम्युनिटी के, और उन फंक्शन को भी मैं आपके लिए कवर करूँगा। अभी मैं आपको आगे का वेदर दिखाता हूँ, आप देखें यहाँ से थोड़ा मैं क्लोजअप लुक से आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप क्या ज़बरदस्त जो है यहाँ पे माहौल इस समय, और सुंदरता जो है
तो जी व्यूअर, एक नए दिन की शुरुआत है, तो ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। और बढ़िया वेदर देखें, अब आप बिल्कुल यूरोप जो है एकदम नॉर्वे खिल चुका है और धूप आ चुकी है। मैं बालकनी में खड़ा हूँ, बाहर देखें आप, आपने जो है बर्फ़ के दिनों के भी वीडियो देखे हैं और अब ये समर के वीडियो आप देखो, कितना सुंदर यहाँ पर हो रखा है। और जैसा कि आपके लिए थोड़ा बहुत बढ़िया वेदर से कुछ ना कुछ कैप्चर करके भी लाऊंगा इस ब्लॉग में, आप वो भी देखोगे। और साथ में आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो सब चीज़ें हैं, खाना पीना होगा और छुट्टी है तो कुछ खाना पीना बनाता हूँ। और आज एक बनाने वाला हूँ मैं उत्तराखंड की डिश, उत्तराखंड वाले जो लोग हैं वो समझेंगे इसको। हम उत्तराखंड में बोलते हैं एक दाल होती है भट्ट की दाल, और उसकी जो है एक स्पेशल रेसिपी होती है जिसको डुबके बोले जाते हैं, तो वो भट्ट के डुबके बनाने वाला हूँ। और उसके साथ राइस खाने का जो आनंद है उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलिए, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं और वो बनाता हूँ और इस ब्लॉग को भी आगे बढ़ाता हूँ। आप सबका मेरे ब्लॉग टीटी ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है, नॉर्वे से त्रिभुवन। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो जी व्यूअर, ये देखें आप, ये है वो दाल जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, जिसको जो है हमारे यहाँ भट्ट की दाल कहते हैं। ये ऐसे रात को ओवर द नाइट आपको इसको भिगोना है, और भिगोने के बाद जो है इसको मिक्सी में पूरा इसको ग्राइंड करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा पेस्ट बनेगा, और उसके बाद बनेगी जो इसकी दाल उसका मज़ा ही कुछ अलग है। अब मैं करूँगा कुकिंग, और ये जो पहाड़ी डिश है ये मैं बना रहा हूँ आज, और भट्ट के डुबके, और इसका टेस्ट और सब लोगों से पूछा जाएगा, शोभा जी से भी पूछा जाएगा कि उनको कैसा लगता है जब कोई खाना बना के उन्हें खिला देता है, देखते हैं। देखो जी व्यूअर, अब ये जो है आपको कुछ ऐसा फाइन पेस्ट इसका बनाना है उस दाल को जो हमने भिगोई थी, ये बन गया इसका फाइन पेस्ट। अब बनेगा इसके जो है डुबके, जो पहाड़ी उत्तराखंड डिश है भट्ट के डुबके, वो बनाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं बन के ये कैसा दिखता है। ये देखो जी, ये बन के रेडी है, अब आपको खा के भी दिखाएंगे हम। और ये राइस हमारा, और ये इधर हमारा सैलेड है, और ये इधर है रिधिमा तिवारी खाने के लिए एकदम तैयार। अभी इनसे टेस्ट भी पूछा जाएगा और फिर जो है आनंद लिया जाएगा खाने का, और खाने का टेस्ट भी पूछा जाएगा कि कैसा है। तो चलिए देखते हैं जी कैसा है। रिधिमा लाइए। कहाँ पर डालूं? ऊपर से? ओके। यह है भैया रिधिमा जी के प्लेट में जो है ये गया डुबुक, और अब रिधिमा जो है डुबुक भात खा के आनंद उठाएगी। और डालूं? फिर दे दूंगा उसके बाद, खाना शुरू करें। कैसा है जी रिधिमा जी? अच्छा है टेस्ट? सो मैंने डाला है पकोड़ा नमक, पकोड़ा चाट सॉरी मसाला, और हम तो खाते हैं भाई हाथ से, हम हैं देसी आदमी, और जो हाथ से खाने का ये डुबुक भात का मज़ा है वो आपको स्पून से खाने में नहीं मिलेगा, जो रिधिमा कर रही है। रिधिमा खा रही है भाई हाथ से स्पून से,
और मैं खाऊंगा इससे हाथ से। और अब हम देखते हैं जी पहली बाइट। मज़ा आ गया। इसमें सबसे खासियत वाली बात यह होती है कि आप जो है इसको कम से कम 1 घंटा आपको इसको उबालना है, 1 आवर। जो ये इसका मैटर बनता है, जो हमने प्योरी बनाई, उसको कम से कम 1 घंटा उबालना है, और उसके बाद ही इसका जो है मज़ा और टेस्ट आता है, और आनंद आ गया। वाह भाई वाह। ओस्लो नॉर्वे में उत्तराखंड की फेमस डिश भटके डुबके, उसका सीधा प्रसारण स्वाद आप तक पहुंचा रहा हूं।